राजनगांव में रानी सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा न्याय समिति की जमीन और फंड के बंदरबांट की शिकायत मिलने पर दुर्ग संभाग आयुक्त ने मामले के जांच के आदेश दिए हैं। यहां राजगामी के पूर्व अध्यक्ष सहित तत्कालीन कलेक्टर, तहसीलदार सहित न्यास के कर्मचारी घेरे में नजर आ रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम नारायण वर्मा ने मामले की शिकायत की है। राजनगांव सहित डोंगरगांव और आसपास के क्षेत्रों के लगभग 41 गांव में 3300 एकड़ से अधिक राजगामी संपदा न्यास की जमीन है, जिसमें जमीनों की लीज पर दिया गया था और लीज देने के नाम पर गड़बड़ियां की गई थी। शिकायत के बाद अब पुराने दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है। शिकायत है और प्रमाण है तो उस पर कार्रवाई होगी, उसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी। हम पुलिस में भी जाएंगे अगर ऐसी अनियमितताएं होंगी तो। शहडोल जिले में